मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत बेतिहाता स्थित चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम पहुंचे। आश्रम में बच्चों से मुलाकात किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 68वें जन्म उत्सव पर उनके स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करते हुए आश्रम के बच्चों में प्रसाद वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अंदर जितने भी कुष्ठ रोगी परिवार हैं और जिनके पास अपना आवास नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर उनको एक एक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कुष्ठ रोगियों को पेंशन की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। शासन द्वारा जो भी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी, वो सारी सुविधाएं उन्हें दिया जाएगा। बच्चों की देखभाल और पढ़ाई लिखाई का संपूर्ण व्यवस्था गोरखपीठ के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल काव्यांजलि के रूप में सेवा सप्ताह शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव 17 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म उत्सव 25 सितंबर तक सेवा सप्ताह चलेगा। सेवा सप्ताह के माध्यम से मलिन बस्तियों में मेडिकल कैंप सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कुष्ठ आश्रम के संचालक शिक्षक और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुविधाएं कुछ प्रेमियों को मिलती है। यहाँ इनके बच्चे जो हैं वो सब यहाँ मंगला माता विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। कपर यहाँ से निकलने के बाद डिग्री कॉलेज में जंगल दूसर में इन लोगों का प्रवेश होता है। इस तरह से इनको एक शिक्षा की संपूर्ण सुविधा गोरखपीठाधीश्वर के द्वारा दी जा रही है। और खास तौर से तो सबसे मजा महाराज जी शिवरात्रि पर विशेष रूप से आपका यहाँ आगमन होता है और काफी समय दे करके इन लोगों के बीच में रहते हैं। इन लोगों के उत्साहवर्धन किया है, इनके अंदर एक नया जोश पैदा किया है जीवन का, उसके लिए हम सब लोग महाराज जी के आभारी हैं। उत्साह भरा दिया है और हम इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जी कृपा करके सामग्री उपलब्ध कराते हैं। कुछ बच्चे हैं बादल, पूजा, पायल, ये आशीर्वाद है। एक एक करके आओ बच्चों, बैठ जाओ बेटा, एक करके आओ, लंबा विलंब हुआ है महाराज जी, इसलिए बच्चों के प्रति वही अनुराग, वही स्नेह, लंबी व्यस्तता, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्यस्तताओं के बावजूद इन बच्चों के प्रति आपका जो स्नेह है, हम सबके प्रति जो आपका आशीर्वाद है वो बना हुआ है, ये सब हम लोगों का सौभाग्य है। श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर सत्या पांडे जी, डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, उपेन जी, राव श्रीवास्तव जी, हम सबसे आग्रह है बहुत ज्यादा कुछ जा रहा है सहयोग करें। डॉक्टर साहब जरा रास्ता दे दें, श्री महेश पोद्दार जी, बेटा हट जाओ, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री ऋषि त्रिपाठी जी, और सबसे आग्रह है श्री राम भगवान कुशवाहा जी, श्री रंजन सिंह जुगनू जी, सत्येंद्र पानी जी, राष्ट्रीय अधिवक्ता, बच्चों को आने दीजिए, बेटा उठो, बेटा उठो, पीछे लो, पीछे जो जो पीछे 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 पीछे, अब तुम आगे जाओ। चलो बेटा उठ जाओ, दोनों हाथ उठा करके बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मोबाइल थोड़ा सा पीछे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रकाश मिश्र जी, गोरखपुर नगर से विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी,
गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सुपेंद्र दास शुक्ल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी, युवा मोर्चा के महानगर के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री पवन यादव जी, हिंदू वाहिनी के महानगर के प्रभारी श्री रामपाल कुशवाहा जी, रणजय सिंह जी, इस वार्ड के पूर्व पार्षद और इस कुष्ठ आश्रम के साथ अपनी सेवा के माध्यम से जुड़े हुए श्री विष्णुकांत शुक्ल जी, गोरखपुर के पूर्व मेयर श्रीमती सत्या पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस आश्रम के मुखिया और अन्य सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज पावन जन्मदिन है। सत्रह सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अटल कार्यांजलि के रूप में एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, जिसमें सरकार के सभी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से आम जन के साथ जुड़ने का एक बृहद कार्यक्रम है, जिसमें मेडिकल कैंप लगेंगे, बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ राहत के कार्यक्रम होंगे, मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम होंगे, जिन क्षेत्रों में जिस भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। मुझे कल सदैव अटल जी के काव्यांजलि कार्यक्रम में गोरखपुर में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम में जुड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं इससे पहले गोरखपुर जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण करके यहाँ पर आ रहा हूँ, जो बेहतर सेवाएं इस दौरान गोरखपुर जिला चिकित्सालय में प्रारंभ हुई है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन सब बच्चों का देखभाल और इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था गोरख स्पीड के अंतर्गत संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक संस्था मंगला देवी प्रांगण में स्थित महाराणा प्रताप विद्यालय में संपन्न होती है और मुझे प्रसन्नता है कि इन बच्चों के अंदर की हीन भावना को दूर किए जाने की आवश्यकता है। ये लोग भी समाज के हिस्से उसी प्रकार से हैं जैसे हम सब हैं। आपने देखा होगा कि उनके अंदर प्रतिभा छुपी है, उसे प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कितनी अच्छी प्रार्थना यहाँ पर सुनाई है, मंच मिलना चाहिए और उस मंच के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसी प्रोत्साहन के लिए मैं यहाँ पर आ जाया हूँ। यद्यपि मैं पहले साल में 2-3 कार्यक्रम यहाँ पर हरिबाबू और विष्णु जी लगा देते थे, लेकिन मेरी भी व्यस्तता लखनऊ में ज्यादा होने के नाते मैं आपके बीच में आ नहीं पाया, लेकिन आज एक अच्छा अवसर था जब आपके बीच में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब आज ईश्वर से देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करें। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति के रूप में
पुनर्स्थापित हो और दुनिया को नेतृत्व दे, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम से जुड़े हुए आप सभी यहाँ के निवासियों को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इन बच्चों के प्रति अपनी मंगल कामनाएं करता हूँ। ये बच्चे निरंतर विद्यालय जाएं, को पढ़े लिखें, कहीं कोई समस्या होगी तो बताएं, हम लोग उस समस्या का समाधान करेंगे। हमारी सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है और यहाँ पे जिला प्रशासन से जुड़े हुए लोग होंगे कि प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक कुष्ठ रोगी को जिनके पास आवास नहीं है उन्हें एक एक आवास उपलब्ध करवाना है। यहाँ चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में इस बात को चेक कर लेंगे, जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास की व्यवस्था उनकी हो जाए। यहाँ पर अन्य जो बुनियादी सुविधाएं दी जानी है उसके बारे में भी प्रस्ताव तैयार करके इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी होनी चाहिए, एक ठोस कार्य योजना बने। और माणा प्रताप जो अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मंगला देवी का, वहाँ पर इन सभी बच्चों को पढ़ाने की निःशुल्क व्यवस्था है, सारी सुविधाएं वहाँ पर विद्यालय के द्वारा इन्हें उपलब्ध कराई जाती है। ये विद्यालय नियमित रूप से बच्चे वहाँ विद्यालय में जाएं, पढ़ें, घर में रह करके भी जब वापस आते हैं तो आश्रम में रह करके साफ सफाई की व्यवस्था में अपना योगदान दें, सुबह शाम कीर्तन में भाग लें, विद्यालय की प्रार्थना को यहाँ आश्रम में भी दोहराने का कार्य करें और अपने मन लगा करके पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मैं आज हृदय से आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आपके प्रति मंगल कामनाएं करता हूँ और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर पूर्व की भांति यहाँ के सभी नागरिकों को यहाँ की सुविधा का लाभ बराबर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।